उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर एक पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी, सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जब कार्य प्रारंभ हुए आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धर्मेंद्र सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं।